स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस ह्यूमन हेल्थ के दूसरे पार्ट में इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का मतलब होता है, आप जानते हैं, हमारे बॉडी में डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस समय कोरोना के काल में इम्यूनिटी की ज़्यादा चर्चा होती है, तो हमारे बॉडी में डिजीज़ के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो इम्यूनिटी कहलाता है। इम्यूनिटी का एक प्रकार वो होता है जो बाई बर्थ होता है, जिसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा, जो जन्म के बाद हमारे बॉडी में डेवलप होता है, वैक्सीन के रूप में हम लेते हैं या ये एंटीजन एंटीबायोटिक इंटरकनेक्शन के थ्रू होता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। आज हमारा जो डिस्कशन है वो इनबॉर्न इम्यूनिटी पर होने वाला है। ये जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है, ये हमारे बॉडी में बैरियर्स के रूप में पाए जाते हैं। जिस तरह से बैरियर्स लोगों को रोकने के लिए होता है आने जाने के लिए, उसी तरह से हमारे बॉडी में पैथोजन या माइक्रोब्स को, डिजीज काजिंग पैथोजेंस को रोकने के लिए हमारे बॉडी में कुल चार तरह के बैरियर्स होते हैं। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन और स्टमक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ये हार्मफुल माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डिजीज काज करने से रोक देते हैं, उनको किल भी कर देते हैं। तो ये फिजिकल बैरियर्स हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के रूप में बॉडी में पाए जाते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है, ये हमारे स्टमक में जो एसिड का सिक्रीशन होता है, वो एसिड हार्मफुल माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। हमारे बॉडी के सरफेस पर तमाम ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, लेक्राइमल ग्लैंड है, इसमें जो लाइसोजाइम पाया जाता है, ये भी हार्मफुल बैक्टीरिया को सेटल करने से रोक देता है और उनको किल कर देता है। तो ये इसी तरह से ह्यूमन वेजिना में लैक्टोबैसिलाई पाए जाते हैं, जो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, वो भी हार्मफुल बैक्टीरिया को सेटल होने से रोकते हैं, किल कर देते हैं। तो ये तो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये इंटरनल सिस्टम में वर्क करता है, बॉडी के सरफेस पर भी ग्लैंड के रूप में पाया जाता है। जैसे सिरुमिनस ग्लैंड पाया जाता है हमारे ईयर में, जो सिरुमिन रिलीज करता है, और ये सिरुमिन जो है, ये भी वैक्स है जो इनकमिंग बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, किल कर देता है। साथ ही साथ ये जो सिरुमिन ग्लैंड है, ये इंसेक्ट रेपेलेंट केमिकल रिलीज करता है। इसी तरह से सेलुलर बैरियर है। हमारे ब्लड कोशिकाएं WBC, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL जिसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये भी हार्मफुल पैथोजेंस को फैगोसिटाइज करते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको किल कर देते हैं। इसी तरह से साइटोकाइन बैरियर है। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन होता है, ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। जब कोई सेल है, एक रो ऑफ सेल्स हैं, और ये वायरस उस रो ऑफ सेल में किसी एक सेल को डैमेज करता है या इफेक्ट करता है, तो वो सेल इंटरफेरॉन नाम का केमिकल रिलीज करता है, और वो इंटरफेरॉन नाम का केमिकल बाकी सेल को इन्फेक्ट होने से रोक देता है। तो ये साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन के रूप में होता है। जो लेयर ऑफ सेल है, मान लीजिए एक लेयर ऑफ सेल है, ये पहला सेल है, अगर ये वायरस अफेक्टेड हो गया तो यही सेल इंटरफेरॉन को रिलीज करेगा, और वो इंटरफेरॉन सारे बाकी बचे कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करेगा और उनको डिजीज काज करने से रोक देगा।